नमस्कार, घमासान.com के खास कार्यक्रम दे दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश राठौर। आज हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति को लेकर आखिर किन दो नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जी हां, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बात करें तो यहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अभी 29 लोकसभा सीट में से 3 लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है और भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि इस बार वो 29 सीट ही जीतेगी। बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बार बार लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं और उसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश की ही राजनीति करना चाहते हैं। वे लोकसभा चुनाव लड़ने की बजाय लोकसभा की सारी सीटें जिताने में विश्वास रखते हैं और यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश के दौरे पर निकल पड़े हैं। ये बात भी सही है कि अब भाजपा हाईकमान उन पर पहले जितना भरोसा नहीं करता, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने सूत्रों की माने तो भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से कहा है कि मैं एक बार फिर प्रयास कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें मिलें। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 3 महीने में कोई काम नहीं किया, किसानों के साथ कर्ज माफी के नाम पर मजाक किया। वहीं दूसरी तरफ यदि कमलनाथ की बात करते हैं तो कमलनाथ निश्चित तौर पर चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश का पहला कांग्रेस का ऐसा मुख्यमंत्री है जिनने ये कह दिया कि वे हर मंत्री और विधायक की जवाबदारी हर लोकसभा क्षेत्र में लगा चुके हैं। जो मंत्री अपने इलाके में कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार को जीत नहीं दिलवा पाएंगे उनके लिए मंत्री पद गंवाने की बात भी कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ अब किसी को माफ़ करने के मूड में नहीं है। लोकसभा चुनाव के परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन कमलनाथ सरकार कमलनाथ अपने अंदाज में ही चलाएंगे। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का दबदबा मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा था, उसको भी कमलनाथ ने साइड लाइन करने का प्रयास किया है। ज्योति सिंधिया उत्तर प्रदेश में व्यस्त हैं तो दिग्विजय सिंह भोपाल से टिकट मिलने के बाद जीतने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। ऐसे में पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से सिर्फ कमलनाथ एकमात्र ऐसे नेता उभर कर आए हैं जो लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस के संगठन को भी सक्रिय कर रहे हैं और उन्होंने इसीलिए अपने स्तर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचूरी को चुनाव तक का प्रभारी बना दिया है ताकि सभी जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों से बात करके कांग्रेस के संगठन को लगातार सक्रिय किया जाए। लगातार दौरे, रैली, आम सभाएं होने के कारण कांग्रेसी भी एक्शन मोड में आ गए हैं। ये बात भी कही जा रही है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दूसरी बार फिर बनती है तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने का प्रयास किया जाएगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेसी इस कोशिश में लगे हैं कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस 10 से 15 लोकसभा सीट जीत जाए, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी की भी सभाएं मध्य प्रदेश में होने की पूरी उम्मीद है और सरकार ने पूरे तंत्र को इस काम पर लगा दिया है। किसानों की कर्ज माफी वाले मामले में लगातार कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक सतर्क है कि कहीं कोई किसान नाराज ना हो जाए। और भी जो फैसले कमलनाथ सरकार ने किए हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम भी कार्यकर्ता करने में लगे हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि कमलनाथ और शिवराज की ये जो अग्नि परीक्षा है उन दोनों के आधार पर उनका राजनीतिक भविष्य टिका है। यदि वाकई मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ज़्यादा लोकसभा सीटें नहीं मिलती है तो कमलनाथ को बारे में ये कहा जाएगा कि उनकी सरकार कुछ खास असर
नहीं दिखा पाई। वहीं शिवराज सिंह चौहान यदि 26 सीटें भी बीजेपी की झोली में फिर से डालने में सफल नहीं हुए तो उनके भी आगे के करियर पर सवाल उठ सकता है। वैसे इस बार बीजेपी में तो बाकी नेता भी पूरी ताकत से जुटे हैं। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, संगठन महामंत्री सुहास भगत जैसे तमाम दिग्गज नेता भी घूम रहे हैं। पूरे प्रदेश में आरएसएस भी सक्रिय हो गया है और संघ की निगाह कुछ खास सीटों पर है, जिनमें भोपाल, गुना, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर जैसी सीटें हैं जहां पर संघ अपनी ताकत दिखाएगा। हम ये बताना चाहते हैं कि जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के भाग्य का फैसला जरूर होगा। आप देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।